औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 281 आयत है, तिलकर रसुल, पारा 3 है, सूरतुल बकरा आपकी चल रही है। वत्तकू, और डरो, यौमन उस दिन से, तुरजऊन तुम लौटाए जाओगे, फीही इसमें, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, सुम्मा फिर, तुवफ़ा वो पूरा करके दिया जाएगा, पूरा बदला दिया जाएगा। वफ़ा आप समझते हैं ना, वफ़ा का मतलब है पूरा करना। कुल्लू हर, नफ्स इन नफ्स को, माँ जो कसबत उसने कमाया, ठीक है। कसबा क्या किसे कहते हैं, कमाने को, ठीक है। वहम और वो, ला नहीं, युज़लमून वो जुल्म किए जाएंगे, ठीक है। तो दुनिया में तो आप देख, कमाने की बात हो रही है ना, तो दुनिया में तो माल जो कमाया होता है वो काम आ ही जाता है, मगर आखरत में जो है ना, आपका माल कमाया हुआ काम नहीं आएगा। आखरत की करेंसी जो है वो आपके नेक आमाल होंगे, दुनिया के नेक आमाल, वो वहाँ पर जो है ना आपको उसका अजर मिलेगा। हर मुल्क की करेंसी होती है ना, ठीक है ना। इस दुनिया में करेंसी नोट चल रहे होते हैं, इस दुनिया में जो है करेंसी आप यूज़ करते हैं, मगर आखरत की करेंसी जो है वो नेक आमाल होंगे, आपकी नेकियाँ होंगी, वो नेकियाँ। और वो हदीस याद कर लें मुफलिस वाली, कि जिसमें नेकियां बाकायदा, ऐसे नहीं लगता जैसे मतलब जब आप जैसे आप नोट को कर रहे होते हैं ना, तो वो जो मुफलिस वाली हदीस है अगर आप उसको देखें तो उसमें ऐसे लगता है जैसे नेकियां बाकायदा करेंसी नोट की जैसे कोई शक्ल वाली चीज़ जहन में आता है ऐसे। अगर जो होगा नहीं, ऐसे कोई जिक्र नहीं आता, लेकिन समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है। सहाबा किराम ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो उसी को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दरहम दीनार ना हो, तो कहा नहीं, आखरत में मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा कि जिसके पास बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, बड़े बड़े नेक आमाल होंगे, उसने उमरा भी किया होगा, उसने हज भी किया होगा, उसने नमाज पढ़ी होंगी, उसने रोज़ा रखा होगा, ज़कात, लेकिन साथ ही साथ उसने जो है लोगों का हक मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को कत्ल किया होगा, मतलब लोगों के साथ उसने जो है बुरा सलूक किया होगा। तो वो जब आएगा वो नेक इंसान, तो पीछे पीछे उसके जो है लोग आएंगे, दुनिया के लोग आएंगे जो अपना हिसाब लेने के लिए आएंगे। तो उसकी जो सारी नेकियां है ना, तो वो उनमें बांट दी जाएंगी, यानी आमाल नामे खुले हुए होंगे, तो ऐसे ट्रांसफ़र हो रही होंगी। सोचें उस वक्त क्या हाल होगा कि नेकी इतनी, उस वक्त एक एक नेकी बड़ी कीमती होगी। हम जो यहाँ पर ना हम लोग यहाँ पे ना नेकी के मामले में थोड़े बेहिस हैं, नेकी के मामले में हम जो है ना इतने वो नहीं होते, इतने कीन नहीं होते, यूँ समझें नेकी आँखों के आगे से गुजर रही होती और हम उसको पकड़ के लपकते लपक के लेते भी नहीं हैं। मैं बाज़त ऐसे, जैसे कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि नेकी आगे से गुजर रही होती है और मुझे ख्याल आता है हाँ ये नेकी पकड़ लूँ, नहीं तो गुजर जाएगी, तो पकड़ लेती हूँ, तो पकड़ लेती हूँ, नहीं तो गुजर जाती है, तो वो गुजर जाए, वो लम्हा फिर दोबारा पलट के आता नहीं है ना। तो नेकियाँ, नेकियों के मामले में हम यहाँ पर इस दुनिया में इतने ना कीन नहीं होते, समझते ना, कीन नहीं होते इतने ना, उसको करने के लिए इतने बेताब नहीं होते, दुनिया कमाने में लगे पड़े हैं ना, मगर आखिरत में एक एक नेकी बड़ी कीमती होगी। अब वो शख्स, वो मुफलिस शख्स जो कि बड़ा ही नेक इंसान है, अब वो अपनी नेकियों को उधर से ट्रांसफ़र होते हुए देख रहा होगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, उसकी नमाज़ें भी दूसरों के आमाल नामे में ट्रांसफ़र हो जाए, जैसे नहीं बैंक में होता है ट्रांसफ़र हो जाता है ना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी होता है, तो ऐसे जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रही है, उसकी नेकियां ट्रांसफ़र हो रही है, नमाज ट्रांसफ़र हो गई, रोज़ा ट्रांसफ़र हो गया, ज़कात फ्रॉड ट्रांसफ़र हो गया, इतना मेहनत करके हज किया था, उमरा किया था, सब ट्रांसफ़र हो गया। उन लोगों को जिनके माल खाए या जिनका हक खाया, कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। आप देखिए हमारे माशरे में हम इस बात का नहीं ख्याल रखते ना, हमारे घरों के मसले क्या, हमारे घरों में झगड़े ही यही होते हैं, फलाने ने मेरा जो है, फलाना मेरे साथ मेरा खा, हमारे घरों के अंदर बच्चियाँ होती हैं, कितने मदद से कह देते हैं, सास ससुर है तो उनको हम क्यों दें, भाई तुम तो अब आए हो ना घर में, पहले उन्होंने जो उनके भी कोई राइट्स अल्लाह ने बनाए ना, माँ बाप के राइट्स होते हैं या नहीं होते, ठीक है ना। तो हमारे माशरे में दूसरों का हक खाना यानी इतना आसान काम हो गया है कि पूछो नहीं, जिधर जिसको मौका मिलता है ना वो खा जाता है, इस बात का ख्याल ही नहीं रखते। अब दुनिया में ये लगता है कि तो बड़ा आसान सा काम है, छोटा सा काम है, क्या हो गया, कौन देख रहा है हमें, मगर इसका बदला आपको अपनी नमाजों से एडजस्ट किया जाएगा,
सोचें अगर दुनिया में हमें ये पता चल जाए कि ये जो हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं ना, किसी के साथ हम जो है ना अखलाकियात और मामलात, ये कौन सी चीज़ें हो रही हैं, अखलाकियात और मामलात को डील किया जा रहा है हम आपकी इबादात से, इसकी इबादात ही जो दी जाएंगी। और उसने कमी कहाँ पे की थी, अखलाकियात और मामलात में, लोगों के साथ मामलात में कमी की थी, वो जो मुफलिस बनता है, तो वो उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, उसके सारे नेक अमाल ट्रांसफ़र हो गए, और वो खड़ा हैरान खड़ा हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो इबादत करने में लगा पड़ा था। और एंड में उसके पास कुछ नहीं रहेगा, खाली हाथ। और हदीस में आता है कि अभी लोग बाकी होंगे, कितना तंग किया होगा उसने लोगों को। ऐसे नेक लोग आपने देखे होंगे, बहुत होते हैं जो अपनी नमाज़ें बड़ी अच्छी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी कराते हैं, उम्रा भी कराते हैं, लेकिन ये है कि मामलात उनके वहीं के वहीं होते हैं, मामलात में चेंज नहीं लाते, तंग करते हैं लोगों को, परेशान करते हैं। एक हदीस में आता है ना कि ये जो फैमिली है ना, जो घर के ये जो लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं ना, ये अल्लाह का कुंबा है। ये हदीस में इस तरह से आता है कि इनके साथ अच्छा सलूक करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ कितना इस बात का है कि जो आबिद लोग होते हैं वो थोड़ी सी भी इबादत कर लें तो उनको गुरूर, इबादत का गुरूर बड़ा आ जाता है, और वो तो आम लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह समझने लग जाते हैं कि ये कहाँ और मैं कहाँ। अस्तग़फिरुल्लाह। तो उसकी सारी नेकियाँ बढ़ चुकी होंगी और अभी लोग बाकी होंगे, और अब उनके जो गुनाह हैं वो इसके सर पे डाले जा रहे होंगे। ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम होगा वहाँ पे, जिसको हम बड़ा आसान समझते हैं, किसी का दिल दुखा देना, किसी का हक मार लेना, किसी को जो है तकलीफ़ दे देना, किसी को गाली दे देना, किसी को साथ बदअखलाकी कर लेना, जिसको हम बड़ा नॉर्मल समझते हैं। सबसे ज़्यादा इंसान को अपने अखलाक पर जो है ना फोकस करना चाहिए, अखलाक की तरबियत करनी चाहिए। माँ बाप का भी काम है, मगर माँ बाप में अगर कोई कमी रह गई तो अपने हम खुद भी तो एडल्ट्स हैं ना, तो अपने अखलाक पर सबसे ज़्यादा जो है ना हम फोकस करें और सबसे ज़्यादा उसको ट्रेन करें, क्योंकि अखलाक आपको पता है हदीस में आता है ना कि सबसे ज़्यादा वज़न में जो भारी चीज़ होगी ना वो अखलाक, आला अखलाक होगा, अच्छा अखलाक। यानी अगर आप अच्छा अखलाक थोड़ा सा भी रख देंगे ना, वज़न में क़यामत के दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे अखलाक, और इसमें ज़रा सा भी पैसा नहीं लगता, रुपया ज़रा सा भी नहीं लगता अच्छे अखलाक में, ठीक है ना। तो ये आप देख लें कि कितना कैसे चीज़ें जो है ना, वो एक बंदा जो दुनिया में आबद शुमार होता था, मोमिन शुमार होता था, और आखरत में उसका यह हाल होगा कि दूसरों के भी गुनाह उसके सर पर डाले जा रहे होंगे, और हदीस में आता है कि एंड में वो जहन्नुम में जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना समझ लें, या यू लजीना ए लोगो आमनु जो ईमान लाए हो, इज़ा जब तदा तुम जब तुम बाहम उधार लेते देते हो, तुम आपस में मामला करो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तुम्हारे दरमियान, दैन वैसे तो कहते हैं कर्ज को, ठीक है, इसमें रूट वर्ड तो दैन आ रहा है, दाल या नून, मगर तदायन तुम का जो है ना इसमें बाप भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपस में बाहम जो है ना, एक बंदा दे रहा है उधार, एक ले रहा है, आपस में मामला कर रहा है, ठीक है। भी देनी साथ कर्ज के, यानी साथ कोई कर्ज है, उधार है कोई, इला तरफ या तक अजल इन मुद्दत, अजल कहते हैं मुद्दत को, मुसम्मन मुकर्रर, फक्तुबुहु, तो लिख लो इसको, कतब इसका रूट वर्ड है ना काफ्ता बा, बल यक्तुब, और चाहिए कि लिखे, बेनकुम तुम्हारे दरमियान, कातिबुन एक कातिब, एक लिखने वाले, कातिब कहते हैं लिखने वाले को, बिल अदली साथ अदल के, वला और ना याबा इनकार कर, याबा का मतलब होता है इनकार करना, कातिबुन लिखने वाला, अन ये के यक्तुब कि वो लिखेगा, कमा जैसा के, अल्लमहु सिखाया इसको या इल्म दिया उसको, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, फल यक्तुब तो चाहिए कि वो लिखे। बड़ी खूबसूरत हिदायत आ रही है यहाँ पे। नंबर वन पहले तो आप देखें ये समझे ना कि जब तुम कोई उधार का या कर्ज़ का कोई देन लेन देन हो रहा है ना, तो अल्लाह की हिदायत पहली क्या आ रही है कि उसकी लिखा पढ़त होनी चाहिए, क्योंकि इंसानी दिमाग है ना, वो कभी इंसान भूल भी सकता है, ठीक है। तो इसका असूल अल्लाह ताला बता रहे हैं
कि उसको लिख लें, चाहे छोटा सा भी हो चाहे बड़ा हो, उसको लिख लेना चाहिए, ठीक है। और चाहिए कि कोई एक, और उसकी मुकर्रर मियाद जो है वो भी फिक्स होनी चाहिए, भाई इतनी है, उसके बाद अगर बढ़ जाए आगे हो जाए तो फिर आप देखिए हमारे माशरे में ये चीज़ राइज कब है, एक तो बात लिखी नहीं जाती, अगर लिख ली जाए तो वो जो मुकर्रर मियाद है उस तक उसकी तो कोई बात ही नहीं होती, है ना, कि इस पर ना कोई देने वाला चाहता है ना कोई लेने वाले का, उसमें बड़ा मुश्किल, हमारे माशरे में ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, बिल्कुल हम इसमें फॉलो नहीं कर रहे होते कुरान और हदीस को। अच्छा, अब कातिब को कहा जा रहा है कि उसको चाहिए कि वो लिखे। अब ये कातिब कौन है? अच्छा, उस ज़माने में सब पढ़े लिखे नहीं होते थे ना, तो किसी किसी को इल्म होता था, तो अल्लाह ताला ने उसका एक फ़र्ज़ बनाया, तुम्हारा बेइल्मों को इल्म सिखा देना भी तुम्हारी तरफ से सदका है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ से क्या पता चला कि ये भी कि किसी की हेल्प हो रही है, हमारे पास इल्म है या हम कुछ लिख सकते हैं, हमें लिखना पढ़ना आता है, तो हमें चाहिए कि हम इसका उसका काम कर दें, जैसा क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें लिखना पढ़ना सिखाया, अल्लाह ताला ने हमें इल्म दिया, तो इस इल्म का, ये इल्म भी, इस इल्म की भी एक ज़कात है, इस इल्म का भी एक सदका है कि उसको यूज़ होना चाहिए, ठीक है। यानी पढ़ा लिखा इंसान है, वो किसी की अगर उसमें हेल्प कर दे कुछ लिखा पढ़त में, तो उसमें ये भी उसकी नेकी होगी, और वो कर इसी आयत को सामने रख के करेगा तो कितनी अच्छी बात है, उसको नेकी का अजर मिलेगा ना, ठीक है। फिर आगे चले, वल्यूम ले, और चाहिए कि वो लिखवा ले, इमला करवा ले, मीम लाम लाम रूट वर्ड इसका, अब समझ में आ जाएगा। इमला करवाना क्या होता है? एक बंदा बोलता है दूसरा लिखता है, पुराने ज़माने में होता था ना, मेरा ख्याल वर्ड्स बोलते थे और लिखा जाता था तख्ती हो गया, डिक्टेशन, जो इंग्लिश को डिक्टेशन कहेंगे, ठीक है। तो चाहिए कोई डिक्टेट करवा दे, ठीक है, डिक्टेट करा दे, डिक्टेशन दे दें, डिक्टेट में भी ऐसा था, वो बोलता है बंदा और वो लिख रहे होते हैं, ठीक है। अल्लज़ी, वो जो अलैहि, उस पर, अलहक को, हक है। अच्छा, अब ये जो चाहिए कि इमला करवाए, वो इमला कौन करवाएगा? वो जिसको वापस करना है, ठीक है, सही है, उसको चाहिए कि वो उसको वापस करना है। वलियत्तकी, और चाहिए कि वो डरे अल्लाह, अल्लाह ताला से, रब, क्योंकि अब उसका हक है ना कि उसको वापस करना है, ठीक है। यानी वो देने वाला, जो देने वाला हो तो हो सकता है ज़्यादा लिखवा देना, इसलिए ये हक किसका बनाया गया है कि भाई उसको ज़्यादा पता होना चाहिए कि किस जिसको देना है। अब आपका तो काम ख़त्म हो गया ना, जो दे रहा है, अब तो उसको वापस करना है ना, तो चाहिए कि भी। अच्छा, दूसरा ये कि वो डरे अल्लाह से, इस दौरान डरे, ऐसा ना हो कि कुछ ज़्यादा लिखवा दे। अब ये इसलिए हो रहा है कि हर एक को लिखना पढ़ना नहीं है, पता चले एक ज़ीरो की कहीं कमी बेशी कर दी, मगर एक इंसान का तो नुकसान हो गया ना, तो चाहिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ चाहिए कि अल्लाह से डरे, तकवा का आ रहा है ना इसमें रूट वर्ड, वो चाहिए कि डरे अल्लाह, अल्लाह ताला से, वलियत्तकी, और चाहिए कि डरे, और लाम जो आ रहा है वो चाहिए के लिए आ रहा है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह से, रब्बहु, रब है उसका, वला, और ना, यबखस, वो कमी करे, बखस का मतलब होता है कमी करे, और या का ज़मीर जो जा रही है वो की तरफ जा रही है, वो कमी करें, मिन हूँ इसमें से, शयन कुछ भी, फा इन फिर, अगर काना हो, अलज़ी वो जो अलैही उस पर, अलहक को, हक यानी राइट जो इसका है, सफीहन बेवकूफ़ हो, वो फुल हो, फुलिश हो, और या दईफ़न कमज़ोर हो, वीक हो, और या ला नहीं, यस्ततीउ वो इस्तताअत रखता, वो एबल नहीं है, अन ये के यूमिल्ला वो इमला करवाए, वो लिखवाए, वो डिक्टेट करवाए, हुवा वो फल यूमलिल फिर चाहिए कि लिखवाए, वली उसका बिल अदली साथ अदल की। यानी अगर कमज़ोर है वो बच्चा है, उसको नहीं पता, वो लिखना नहीं, बोल नहीं सकता, या उसको पता ही नहीं कितने ज़ीरो होते हैं, तो चाहिए कि उसका वली लिखवा दें, यानी उसका कोई सरपरस्त, ठीक है। वली कौन होता है? बेसिकली सरपरस्त को कहते हैं। वस्तशहदू, और गवाह मुकर्रर करें, चाहिए कि गवाह मुकर्रर करें, ठीक है। शहीदैनी, दो गवाह, ठीक है, तस्निया आ रहा है इसमें। मिन रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से, फ़ाइन फिर, अगर लम नहीं, यकूना वो दोनों हों, यानी दो मर्द ना हों, तस्निया आ रहा है, ठीक है। रजुलैन, दो मर्द, फ़ा रजुलन, तो एक मर्द
वम्रातानी और दो औरतें, तस्मी आ रहा है इसमें, ठीक है, इमरातान दो मर्दों के। मिम्मन इसमें से जो, तर्दोना तुम राजी हो, मिनत शहदाई गवाहों में से, यानी वो गवाह वो होने चाहिए जिन पे सब राजी हों, यानी कि उस पर पहले से ही शक है, पता नहीं गलत गवाही ना देते, ठीक है। और यहाँ पे आप एक पॉइंट देख लिया आपने कि गवाही हो रही है दो मर्दों की, ठीक है, और अगर दो मर्द नहीं है तो फिर क्या होगा, एक मर्द और दो औरतें, और यहाँ पे औरतों को बड़ा एतराज़ होता है, जी हमारी गवाही आती है, गवाही आती नहीं है। बेसिकली देखें ये है सारे लिखा पढ़त के, अब ये अगर मामला ज़्यादा आगे बढ़ गया तो अदालत में भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली औरत को इन अदालती मामलात और ये जो पैसों के मामलात हैं इनसे बचाया जा रहा है, कि कर्ज के मामलात हैं और मिल ही जाते हैं दो मर्द, अगर वो इन केस ऐसा कोई सफ़र का मामला है या कुछ ऐसा है कि वो नहीं मिल रहे, यानी दो औरतें हैं और एक मर्द है, तो इसमें भी आप देखें कि एक मर्द जो है ना फिर भी ज़रूरी है, ये नहीं हो सकता चार औरतें, कहाँ एक मर्द और दो औरतें। इसकी वजह भी आगे आ रही है कि अगर इन तदिल्ला अगर भूल जाए इहदहुमा दोनों में से एक, ठीक है, इन दोनों में से एक, ठीक है। अब इसमें तस्निया भी आ रहा है, ईदा एक के लिए आ रहा है, इहदहुमा उन दोनों में से एक, फतुज़किरा तो याद दिला दे इहदहुमा दोनों औरतों में से एक, ठीक है। हुमा जो है वो तो दोनों के लिए आ रहा है, तस्निया के लिए, और इहदा जो है वो एक के लिए आ रहा है, अलुखरा दूसरी को, वाला और ना याबा इनकार करे अशहदाऊ गवाह इज़ा मा जब जो दू बुलाए जाए, ठीक है, दू का मतलब है दावत दी जाए, उसको बुलाया जाए। अब यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे पता चल गया कि इसमें क्या है, कि ये इसलिए है, दो औरतें इसलिए हैं कि अगर एक भूल जाए तो वो दूसरी याद ला दे। अब औरतों में नसियान ज़्यादा होता है, मर्दों में इतना नहीं होता है, ठीक है, मगर औरतें थोड़ी सी जज्बाती तौर पे भड़कड़ टाइप होती हैं, तो अगर एक भूल जाएगी तो कम से कम वो दूसरी तो याद दिला देगी, अगर एक औरत होगी तो वो कैसे जो है ना उसको मैनेज करेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दो गवाही का मामला, और हर जगह ही औरत की गवाही दो के बराबर नहीं होती, बाज़ात तो उसी की गवाही कुल होती है, मसलन जहाँ रज़ात के मामलात आते हैं, जहाँ तलाक के मामलात आते हैं, तो वहाँ तो जहाँ जो है निकाह की या बेवगी का मामला आ गया इस तरह का कि भाई उसको पता है ना कब उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसको पता है ना कब उसकी डिवोर्स हुई, कितने महीने उसके हुए, तो वहाँ रदात का मामला, कोई किसको मैंने दूध पिलाया, तो वो तो औरत की गवाही काफ़ी मानी गई, उसमें तो किसी का ही नहीं कहा गया कि मर्द आके बीच में इंटरफेयर भी इवन नहीं करेगा। औरत ने अगर कह दिया कि रदात का मामला ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है, ठीक है, तो फिर जो है एक तो होता है ना नसबी, एक ये रदाई, तो ये मेरा रजाई बेटा है या ये मेरा रजाई बेटी है, तो उसकी गवाही को कुल समझा जाता है। आपको पता है इतना बड़ा मामला है ये, और रजाई जो बच्चे होते हैं वो भी इस तरह से होते हैं जैसे नसबी, उनके सारे वो मामला वैसे ही चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखें कि हर जगह पर औरत का की गवाही दो नहीं है, बल्कि कहीं कहीं तो कुल उसी की गवाही है, तलाक के मामला हैं कुल उसी की गवाही है, खुला के मामला हैं, ठीक है ना। तो हर जगह निकाह है, एक बात है कि निकाह में उसको ये तो नहीं कहा बस एक वली का होना ज़रूरी है, मगर ये तो नहीं कहा कि ना उसकी साथ और मजीद कोई हो, जो गवाह है वो सबके लिए, वो लड़के के लिए भी है तो वो लड़की के लिए भी है, ठीक है ना, दोनों तरफ से हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे उसके स्टेटस की कमी नहीं है, उस औरत के स्टेटस, यानी औरत का स्टेटस कम नहीं किया गया, बल्कि उसकी अंदर जो एक कमज़ोरी है उसकी वजह से उसको ये एक सिस्टम बनाया गया कि दो औरतें होंगी, एक नहीं होगी दो औरतें होंगी, और इसको सहारा भी रहेगा ना, आदम दोनों मिलके बताएंगी, दोनों मिलके बताएंगी, तुम कुछ वो बताएंगी कुछ वो बताएंगी, औरतें अक्सर ऐसी होती हैं। आपने देखा अक्सर कहीं किसी शॉप पे जा रहे हैं, कहीं किसी बाज़ार जा रही हैं, अक्सर औरतें ना कहती हैं साथ में किसी को पकड़ लेती हैं, तुम भी चलो, अब उसका कोई काम नहीं है, मगर मशवरे के लिए और चीज़ों के लिए, क्योंकि औरतों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक होता है और दूसरी साथ जो है ऐसे ही होती है उसके साथ। बाज़ात मेरे हस्बैंड बताते हैं क्लिनिक में भी कोई किसी को दिखाना है, उसके साथ में ऐसे ही आ रही है, दो तीन बिला बजा रही हैं खातिन दिखाने के लिए, भाई वो क्या काम है, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस नहीं होता औरत में, अकेले में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये उसके इनबिल्ट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बात है, इसकी वजह समझ में आ गई होगी। और जो गवाह इनकार ना करे जब उनको बुलाया जाए, वाला और ना
तस आमू तुम सुस्ती करो। तस आमू का मतलब है तुम सुस्ती करो, अन ये के तक तुबू हूँ तुम लिखवा सको, यानी लिखने में सुस्ती नहीं करनी है, जो अक्सर बेशतर यहाँ पे की जाती है। सगीरन कुछ भी छोटा, और कबीरन बड़ा, ठीक है। सब चीज़ें लिख दो, कितनी मुद्दत है, क्या है, हर चीज़ एक एक चीज़ लिख दो, ठीक है। इला तक या तरफ, अजली ही इसकी मुद्दत के, जालिकुम ये अक्सतु ज़्यादा इंसाफ वाली है, अक्सत या किस्त जो है इंसाफ को कहते हैं। इन द पास अल्लाह ही अल्लाह ताला के, व अक्वामु और ज़्यादा दुरुस्त रखने वाली है, ज़्यादा कायम रखने वाली है, ले शहादत ही गवाही के लिए, व अदना और नज़दीक है अल्लाह ये के तरताबू तुम मुश्किल में पढ़ो, सॉरी तुम शक में पढ़ो। तरताबू जो है रैप से है ना, तो तुम शक में पढ़ो, डाउट में पढ़ो। इल्ला मगर, अन ये के तकूना हो, तिजारतन तिजारत, हाजिरतन नकद, प्रेजेंट, हाजिर, ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो उसमें अगर आपने नहीं लिखा तो कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। यानी आप नकद एक तिजारत हो रही है तो उसमें अगर लिखा पढ़ा तो जो अच्छी बात है, एवरीथिंग अगर रिटर्न है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई ऐसी बात नहीं, वो चीज़ दी पैसे ले लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तुदी रूनहा तुम लेन देन करते हो इसका, जो आम रोज़मर्रा की लेन देन है वो आपस में, बेनकुम आपस में, फलैसा तो नहीं अलैकुम तुम पर जुनाहुम कोई गुना, अल्लाह के ना तक्तुबूहा तुम लिखवा सको, व अशिदु और गवाह बनाओ, इज़ा जब तबाए तुम आपस में लेन देन करो, बे इसका रूटवर्ड है, वला और ना युदारा नुकसान पहुंचाया जाए, कातिबुन लिखने वाला, वला और ना शहीद गवाह, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जो होगा वही लिखा जाएगा। व इन और अगर, तफ़लू तुम करोगे, फ इन न हो तो बेशक वो फुसूकुन गुनाह है, फिस्क है, बिकुम साथ तुम्हारे, यानी वो अगर तुम ऐसा कुछ करोगे, किसी को नुकसान पहुँचाए, किसी में ज़्यादा लिख दिया, कुछ कर दिया, गवाह ने कोई गलती की, कातिब ने कोई गलती की, तो फिर ये क्या होगा, फिस्क होगा, ये गुनाह होगा। वत्तकुल्ला और डरो अल्लाह अल्लाह ताला से, वयुअल्लिमुकुम और वो सिखाता है तुमको, अल्लाहु अल्लाह ताला, वल्लाहु और अल्लाह ताला, बिकुल्लिन साथ हर शेन चीज़ के, अलीम जानने वाले, यानी हर चीज़ अल्लाह ताला ने सिखा दी, शरीयत में हर चीज़ आपको सिखा दी गई है। व इन और अगर, कुन तुम हो तुम, अला ऊपर, सफ़र इन सफ़र के, वलम और नहीं, यजीदू सॉरी वलम और नहीं, तजीदू तुम पाओ, कातिबन लिखने वाला, हवा तेज़ चल रही है, कातिबन लिखने वाला, फरिहान तो रहन है, मकबूदतुन कब्ज़े में रखो, कि पोजेशन में कोई चीज़ जो है आप मॉर्गेज वाला मामला कर सकते हैं। फ़ाइन फिर अगर, आमिना उसने एतबार किया, बादुकुम तुम में से बाज ने, बाजन बाज पर, फल यौदी तो चाहिए कि अदा करे, अल्लज़ी वो जो, उतिमन्ना जो अमीन बनाया गया है, अमानतहू अमानत उसकी, वल यतक की और चाहिए कि वो डरे, अल्लाह अल्लाह से, रब्बहू जो रब है उसका, वला और ना तक्तुमू वला और ना तक्तुमू तुम छुपाओ, अशहादत गवाही, शहादत, वमन और जो, यक्तुम हा और जो छुपाता है इसको, फ़इन्नहू तो बेशक वो, आसिमुन गुनागार है, आसिम का मतलब होता है गुनागार होना, ठीक है। कल्बुहू दिल उसका, वल्लाहु और अल्लाह ताला, बिमा साथ उसके, जो तालमून तुम अमल करते हो, अलीमुन जानने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ सिखा दी गई कि अगर तुम नहीं पाओ कोई लिखने वाला तो रहन रखी जा सकती है, यानी रहन का कानून भी जो है वो उसकी इजाज़त है, कोई चीज़ रखवा दी है कि भाई मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा, और मैं जब पैसे वापस करूँगा तो ये चीज़ तुम्हारे पास है, तो इसमें अब अमानत का मामला सिखाया गया कि ये अमानत है, यानी कि उस चीज़ से तुम जो है फ़ायदा उठाना शुरू कर दो, ठीक है। यानी किसी ने मसलन कोई घर के कागजात रखवा दिए घर, तो तुम जाओ जाके कब्ज़ा ही कर लो या घर किराए पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं होगा, वो अमानत के तौर पे रखी गई है, तो वो अमानत जब वो कर्ज़ उतार देगा तो वो फिर तुम अमानत उसकी वापस कर दो, ये रहन का कानून यहाँ पर बता दिया। लिल्लाही
अल्लाह के लिए है, माँ जो फिस समावाती आसमानों में है वमा और जो फिल अर्दी ज़मीन। मुझे आयत बड़ी पसंद है, जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में, जो कुछ है अल्लाह ताला का, हम भी अल्लाह ताला के हैं, सब अल्लाह ताला का। वो जो हम पढ़ते ना दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बड़ी एक अल्लाह को भी पसंद है और मोमिनीन को भी ये दुआ पसंद होनी चाहिए कि हम सब अल्लाह ही के लिए हैं। तो जब ये दुआ इंसान पढ़ लेता है ना, तो फिर उसके सारे गम जो है वो दूर हो जाते हैं। जैसे उम्मे सलमा का गम दूर हो गया था जब उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी, ठीक है ना। कभी भी कोई सदमा पहुँचे, कोई मुश्किल हो, तो इस आयत को पेश नज़र रख कर कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उस दुआ को पढ़ा करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब उस दुआ को लोग पढ़ते तो है, मगर उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते कि अगर पहुँच गई हमें कोई तकलीफ़ तो हम किस लिए, हम अल्लाह के ही तो हैं, क्या हो गया अगर पहुँच गई तो, हम अल्लाह के हैं और अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। तो उसको जब हम इस तरह से दुआ मांगते ना कि अल्लाह ताला तेरे बंदे, तेरे बंदों को ये तकलीफ़ पहुँची है, तो फिर वो हमारी तकलीफ़ दूर करता भी है। ये बहुत बड़ी दुआ है, हम इसको बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस दुआ का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ठीक है। व इन, और अगर तुब्दू, तुम जाहिर करो, मा जो फी अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्सों में, ओ या तुखफूहू, तुम छुपाओ उसको, खुफिया भी इसी से है, तुम खुफिया करो उसको, कंसील करो उसको, युहासिब को, वो मुहासबा करेगा तुम्हारा, वो हिसाब लेगा तुमसे, भी साथ उसके अल्लाह अल्लाह ताला, फ़यग़फ़िरु, फिर वो बख्श देगा, वो ढांप लेगा, वो तुम्हें फॉरगिव कर देगा, ही विल फॉरगिव यू, यू तो नहीं है, ही विल फॉरगिव ओनली, लिमन, जिसके लिए, यशाउ, वो चाहेगा, वो युअज़्ज़िब, और वो अज़ाब देगा, मन, जिसे, यशा, वो चाहेगा, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अला ऊपर, कुल्ली हर शैन, चीज़ के कदीर, कुदरत रखने वाला है, ठीक है। यानी नफ्सों में जो कुछ ज़ाहिर है करोगे और जो कुछ तुम छुपाते हो, अल्लाह ताला सबका मुआफ़ा करने वाला है और अल्लाह को सब पता है, ठीक है ना। ये अलग बात कि नियत का अच्छा, ये इसलिए बात की गई कि इंसान अपने आप को नियतों को भी जो है ना, इंसान अपनी क्लियर रखे, अगरचे उसमें गुनाह तो नहीं लिखा जाता जब तक कि वो अमल करे नहीं, मगर मुहासबा, यहाँ पे देखिए किसी उसका वो नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है युहासिब को, ठीक है, वो तुम्हारा मुहासबा करेगा, यानी ओवरऑल मुहासबा करेगा, ठीक है ना। आपको देखे ना कि जन्नत जो है वो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस पे मिलने वाली, जन्नत आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, इधर से आप नेकियाँ लेके जाएंगे और गुनाह आपके कम होंगे और उनको डिलीट आप आहिस्ता आहिस्ता तौबा इस्तिगफार से करवा चुके होंगे, उधर से अल्लाह की रहमत आपको ढांपेगी, ठीक है। और वो रहमत को ढांपने में जो थोड़ा सा रोल प्ले करेंगे वो आपके अच्छे आमाल करेंगे, ठीक है ना। अगर एक बिल्कुल ही जो है गुनाहगार बंदा अल्लाह के पास आ जाएगा तो अल्लाह की रहमत उसको क्यों ढांपेगी, वैसे अल्लाह की मर्ज़ी है, ढांपना चाहे तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, लेकिन जो अल्लाह का सिस्टम है उसमें तो यही समझ में आता है ना कि अल्लाह की रहमत उसी को ढांपेगी जो हमें कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। जगह जगह अल्लाह ताला कहते हैं अमिलुस सालिहात, नेक अमल करो, नेक अमल करो, कि कुछ तो हमारे पास नेकियाँ होनी चाहिए ना। एक बिल्कुल गुनाहगार बंदा तो उस पर तो अल्लाह की रहमत शायद ना आए, ठीक है ना, सही। फिर आगे आमना, और ईमान लाया, और रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिमा, साथ उसके, जो उन ज़िला नाजिल किया गया, इलेही, उसकी तरफ, मिन रब्बी, उसके रब की तरफ से, वल मोमिनून, और मोमिन, कुल्लू, सब, आमना, ईमान लाए, बिल्लाही, साथ अल्लाह के, व मलाइकती ही, और उसके फरिश्ते, व कुतुबी ही, और उसकी किताबों पर, व रसूल ही, और उसके रसूलों पर, ला नहीं, नफरक को हम फ़र्क करते, बेना आदम, किसी एक के दरमियान, में रसूल ही, वकालू, अब ये आखिरी आयत आ गई हैं और इसमें आप देखें कि बड़ी खूबसूरत आयत हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, रसूल और हर चीज़, पिछली किताबें, फरिश्ते और उन रसूलों पर, सब पर ईमान लाने का जिक्र आ गया, आपका अकीदा जो वो दोबारा से आपको दोहराया जा रहा है, और हम जो है दरमियान में किसी रसूलों के दरमियान हम फ़र्क नहीं करते, जो आपने शुरू में भी सीखा था वो दोबारा से और अभी फिर आएगा, तो अब इसमें भी बता देंगे कि रसूलों के दरमियान फ़र्क नहीं करते। वकालू, और उन्होंने कहा,
समय ना सुना हमने वाताना और इताद की हमने, यानी जो रसूलों ने हमसे कहा हमने सुना और हमने उसकी इताद की। गुफरान का हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं। अब ये मोमिनीन दुआ, ये आपको पता ना आखिरी दुआ है सूरह बकरा की, आखिरी दुआ अर्श के ख़जानों में से है, और ये दुआ है दरअसल। और जो रात को पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है, ठीक है ना, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तो हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, गुफरान का हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, रब्बना ए हमारे रब, इलैका, और तेरी तरफ ही लौटना है, अलमसीर लौटना है। ला नहीं युकल्लिफु, वो तकलीफ़ देता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, या मुकल्लफ बनाता है अल्लाहु अल्लाह ताला, नफ्सन, किसी नफ्स को, इल्ला, मगर वसाहा, उसकी वसत के मुताबिक, लहा, उसी के लिए है, उसके लिए है, माँ जो कसबत उसने कमाया, वाले है उस पर, माँ जो इकतसबत कमाया उसने, रब्बना ए हमारे रब, ला नहीं तो आखिज़ ना, तू हमारा मुआख़ा करना, तू हमें पकड़ना। आखज़ा का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो इसमें दुआ की जा रही है कि अल्लाह तू हमें पकड़ना मत, इन अगर नसीना, हम भूल जाएं, और या अख्ताना, हमसे ख़ता हो, इन अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है कि अगर अल्लाह ताला हमसे भूल चुक हो जाए, हमसे कोई ख़ता हो जाए, तू हमें पकड़ना मत। रब्बना ए हमारे रब, वला, और ना, तहमिल, डाल हम पर, हमल का मतलब होता है उठाना, ठीक है, डाल हम पर, अलैना हम पर, ठीक है, तहमल तो अलग से आ रहा है, मैंने हम पर पहले बोल दिया, अलैना का मतलब है हम पर, इसरन, बोझ, इसरन कहते हैं बोझ को, कमा, जैसा कि, हमल तहु, डाला उसको, अला लजीना, ऊपर उन लोगों के, मिन कबलिना, जो हमसे पहले थे। रब बना ए हमारे रब, वला, और ना, तो हम मिलना, डाल हम पर, माँ, जिसकी, या जो, ला नहीं, ताकत, लना, हमारे लिए भी साथ उसकी, वाफू, और दरगुजर फरमा, अन्ना, हमसे, वक़फिर लना, और बख्श दे हमारे लिए या हमें, वरहमना, और रहम फरमा हम पर, अंता, तू, मौलाना, हमारा मौला है, फंसुरना, पस मदद कर हमारी, अलल कौमिल काफिन, कौम काफिर पर, ठीक है। अब इसमें बड़ा खूबसूरत सी बात यहाँ पे क्लियर की जा रही है, कि अल्लाह ताला किसी को उसकी इस्तेआत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, उसकी इस्तेआत से ज़्यादा आजमाइश नहीं देता, उसकी इस्तेआत से ज़्यादा कभी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करता, ठीक है। बल्कि अगर हम अपनी इस्तेआत को बढ़ा लें, बाज़ का तूफ़ान जो होती है ना, वो हमें तूफ़ान से आशना कर देती है, हमें ख़ुद भी नहीं पता होता कि अच्छा हमारे अंदर इतना सब्र था। हम अपनी सब्र की कैपेसिटी को जब बढ़ाते हैं तो हमारी अजर की कैपेसिटी हमारी बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो जब हम जितनी ज़्यादा मुश्किलात, आपको पता है ना कि किस पे सबसे ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, किस पे सबसे ज़्यादा आजमाइशें आती हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था तो कहा था अंबिया पर, ठीक है ना, और उसके बाद जो दीन में सबसे ज़्यादा होता है सालहीन पर, और जो दीन में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आजमाइशें आ रही हैं तो आजमाइशों को बुरा ना समझें, बल्कि अपनी इस्तेआत को ज़रा जांच पड़ताल करें कि हमारी इस्तेआत का हमें ख़ुद भी शायद नहीं पता होगा, थोड़ा सा सब्र करेंगे तो इस्तेआत बढ़ती चली जाएगी, और सब्र का अजर अल्लाह ताला बहुत बड़ा देता है, ठीक है ना। जो वो आता है ना कैंचियों से का, जब सब्र का, जिन्होंने सब्र किया उनको अजर दिया जाएगा, तो जो दुनिया में जो उस वक्त देखेंगे लोग तो ये आरजू करेंगे काश दुनिया में हमारी जो जिल्दें हैं वो कैंचियों से काट दी जाती और हम उन पर सब्र करते तो हमें भी ऐसा ही अजर मिलता, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आजमाइशों को बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उस दौरान जो फोकस करना चाहिए और जो मेहनत करनी चाहिए वो अपने सब्र की कैपेसिटी पे करनी चाहिए, कि हमारे सब्र, यानी हमारे पास फिर इतनी होगी कैपेसिटी, हमारा इतना सब्र होगा, जब ही अल्लाह ने हम पर ये आजमाइश डाली, हमें पता ही नहीं था, हमने कभी जांचा ही नहीं कि हमारे पास इतना भी सब्र है, ठीक है ना। बाज़ात किसी के ऊपर अचानक कोई सडन सदमा आ जाता है और वो रो रहा होता है, निढाल होता है, परेशान होता है, सिर्फ रोने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। अगर उस दौरान वो सब्र कर ले, हदीस में आता है ना सब्र पहली चोट पे होता है, और वो देखे कि मेरी इस्तेआत कितनी ज़्यादा है और अल्लाह ने अगर मुझ पर डाली है तो मेरी इस्तेआत इतनी होगी, जब ही डाली है ना अल्लाह ने, तो उसका अजर ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि वह हदीस ये भी याद करें कि बाज़ात एक इंसान होता है उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, मगर वो
अपनी नॉर्मल लाइफ के ज़रिए से उस दर्जे तक पहुंच नहीं पा रहा होता, तो फिर अल्लाह क्या करता है, फिर अल्लाह ताला उस पर मसाइब भेजता है, उस पर परेशानियाँ भेजता है, उस पर आजमाइशें भेजता है, और फिर वो उन पर सब्र करता है, नतीजतन वो उसके बाद उस बड़े दर्जे तक पहुंच जाता है जो अल्लाह ने उसके लिए चूज़ करके रखा हुआ होता है। तो सब्र तो एक तरह के टूल हैं जो अल्लाह की चॉइस वाले दर्जे तक पहुंचने का एक ज़रिया बन जाता है। सब्र एक टूल हो गया ना, ठीक है ना, वो आजमाइशें टूल हैं, वो आजमाइशें एक ज़रिया बन जाती हैं हमारे उस बड़े दर्जे तक पहुंचने का जो हमने अपने लिए चूज़ नहीं किया होता, रब ताला ने हमारे लिए चूज़ किया होता है। इस बात की समझ में आ गई है ना, कितनी प्यारी बात है, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ने, यानी ये भी तो कितना बड़ा मकाम हुआ एक बंदे का कि अल्लाह ने उसके लिए बड़ा एक दर्जा चूज़ करके रखा हुआ है जन्नत में। अब अल्लाह अपनी चॉइस को नीचे नहीं कर रहा, अब बंदे की तो नॉर्मल लाइफ गुजर रही है, अब अल्लाह ताला ने चूज़ कर, अल्लाह को पसंद आया वो बंदा, यानी आजमाइशों वाले बंदे अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं, अगर किसी पे मुश्किल आ गई तो अल्लाह के पसंदीदा बंदों पे ही आती है। अब अल्लाह ने उसको चूज़ कर रखा है एक बड़े दर्जे के लिए, अब उसकी तो नॉर्मल लाइफ है, अब पता है अल्लाह, रब को भी पता है कि इस नॉर्मल लाइफ से गुजर, अल्लाह का एक इंसाफ भी तो है ना। अब आप कहें जी अल्लाह ताला ऐसे ही दे दे, क्यों भाई क्यों दे दे अल्लाह ताला ऐसे, अल्लाह का इंसाफ भी सवाल उठ जाएगा ना, फिर अल्लाह का एक इंसाफ है, ठीक है ना, तो अल्लाह का इंसाफ जो है ना एक बड़ा है, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला ने इसके लिए एक बड़ा दर्जा चूज़ करके रखा हुआ। अब नॉर्मल लाइफ में, अब बाकी हकीकत बात है, नॉर्मल लाइफ में हम कितना सब्र कर लेते हैं और नॉर्मल लाइफ में हम कितनी की इबादत कर लेते हैं, हम ज़्यादा इबादत जब भी करते हैं, हम ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं सब्र भी जब भी करते हैं जब हम पर कोई मुश्किल आती है, ठीक है ना। नॉर्मल लाइफ में हम वो अजर नहीं समेट सकते, बड़ा दर्जा नहीं पा सकते। तो आप चूज़ कर लें, आपके पास ऑप्शन है कि आप अल्लाह से दुआ भी मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला भाई वो नॉर्मल वाली लाइफ ही सही है, क्योंकि देखिए जन्नत की कुछ कीमत तो है और वो कीमत है आजमाइश, उन्होंने आजमाइशों पे सब्र, तो जब वो उन पर सब्र कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला के पसंदीदा वो जो दर्जा होता है ना उस तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है, तो ज़्यादा अच्छी बात है ना। इसलिए कभी आजमाइशों में, कभी मुश्किलात में अल्लाह से मायूस ना हुआ करें। बंदा क्या होता है, अल्लाह से मायूस हो जाता है, अपने आप को बुरा समझने भी लग जाता है बाज़ औक़ात, अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज़ कर लेता है, वो समझता है कि पता नहीं मुझ पर क्यों आती है। नहीं, जब कभी मुश्किलात आएँ, कभी आप पे बड़ा कोई आप पे आ जाए, वक्त आ जाए, मुश्किल वक्त आ जाए, तो आप खुश हुआ करें कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पर से गुज़र सकती हूँ, जब भी अल्लाह ताला ने मुझ पर यह मुश्किल भेजी है, वरना दूसरे बंदे पे तो वो मुश्किल नहीं आ रही। बाज़ औक़ात मसलन आपसे बहनें होती हैं, बहनों में किसी की मुश्किल लाइफ होती है, किसी की नहीं होती, कुछ बड़ी खुशहाल होती हैं, कुछ तंगी में होती हैं, कुछ मुश्किल में गुज़र रही होती हैं। अच्छा, लोग समझते हैं कि वो बड़े मज़े में, मगर असल में अल्लाह की नज़र में वो ज़्यादा महबूब है कि वो बंदी कि जो मुश्किल ज़िंदगी से गुज़र रही है, जिसके पास शायद तंगी भी है, पैसों की भी तंगी है, औलाद की तरफ से ही परेशानी है, शौहर की तरफ से ही परेशानी है, और भी बहुत सारी परेशानियाँ, अल्लाह की नज़र में वो ज़्यादा कीमती है। इसलिए कभी आजमाइशों को, कभी मुश्किलात को बुरा ना समझा करें, और फिर वो ट्रेनिंग होती है आपकी, जब आप गुज़र जाते हैं ना तो वो आजमाइशें आपको जन्नत का बड़ा दर्जा तो दे के जाती ही हैं, मगर साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग दे के जाती है ना, आप दूसरों को बताने वाले बन जाते हैं, आप चुटकियों में यूँ जो है ट्रेनिंग, चुटकियों में यूँ आजमाइशों को उड़ाने वाले बन जाते हैं, मसाइल को यूँ सॉल्व करने वाले बन जाते हैं, उससे पहले आप नहीं होते ऐसे सॉल्व करने वाले, उससे पहले आप छुई मुई टाइप एक खातून होती हैं, ठीक है ना, जिसको ज़रा सी कील भी, कील तो बड़ी चीज़ है, कांटा भी चुभ जाए, फूल भी चुभ जाए, फूल वैसे चुभता नहीं है, लेकिन अगर फूल भी चुभ जाए ना, कहता है फूल भी क्यों चुभा मुझे, ठीक है ना। मगर ये जब इन मुश्किलात से आप गुज़रते हैं तो आप बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि आप देखिए सीपी के अंदर मोती होता है ना, तो वो जब वो बड़ा प्रेशर बर्दाश्त करता है, हीरा जो होता है बड़ा प्रेशर बर्दाश्त करता है, तो वो एक बड़े कटे हुए खूबसूरत किस्म के डायमंड्स, जिसके हर हीरे की क्या खूबी होती है, उसमें आपको पता है जितने ज़्यादा कट्स होते हैं
वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है क्योंकि उससे रोशनी क्रॉस होती है, तो वो चिराग की तरह एक मोमिन हो जाता है, एक हीरे की तरह मोमिन होती है। जिस एंगल से उसको देखेंगे ना, उस एंगल से वो रोशनी लश्कार ही मारेगा। उसका कोई एंगल जो होता है ना, वो एक ऐसे हीरे की मानंद हो जाती है वो मोमिना या मोमिन, कि उसके हर एंगल से रोशनी फूट रही होती है। उसके हर एंगल पर जब लाइट आती है तो उसको क्रॉस करके जब वो पलट कर उस दूसरी की तरफ जाती है तो वो बहुत बड़ी लाइट हो चुकी होती है। समझ आई बात?